हेलो फ्रेंड, आज हम ये गोदरेज की एक पीसीबी रिपेयर करने बैठे हैं जिसमें E4 का एरर आ रहा है। ये है इसकी मोटर। पता करने के लिए हमने इस पे टेप लगा रखा है ताकि घूमे तो पता चले। आइए इसको ऑन करते हैं अपन। ये हमने ऑन किया, ये बीप आई, ये 24 दिखा रहा है। कुछ देर चलने के बाद हमारी मोटर नहीं चल रही है। कंटिन्यू सेंस किए जा रहे हैं। ये E4 का एरर आ गया जो मोटर का एरर है। आइए इसको अपन सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। ये हमने 220 पे रख लिया एसी वोल्टेज पे। एक प्रॉप हमने ये न्यूट्रल पे रख दिया। दूसरे प्रॉप से अगर हम देखें तो ये वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। मतलब इसका फीडबैक काम नहीं कर रहा। ये आपका ये SCR खराब है, ये BT136 लिखा हुआ डला हुआ है इसमें। आइए इसको चेंज करके देखते हैं। पहले इसको ऑफ करें। आइए इसको चेंज करते हैं। आइए वीडियो को कंप्लीट करें। ये हमने BT136 चेंज कर दिया। SCR को चेंज करने के बाद हम दोबारा इसको ऑन करते हैं। ये सेंस कर रही है मोटर। ये मोटर फुल स्पीड से चलने लगी। ये देखा देखे दिखे रहा होगा। अगर आप वोल्टेज की देखें, अब हमारा वोल्टेज भी आ गया होगा। अरे वोल्टेज भी देखते हैं अपन। ये अपन ने न्यूट्रल में डाल दिए, अंदर आ गया। यहां से ये आ गया 51, ये आ गया 51। जो अभी बन नहीं रहे थे ये दोनों वोल्टेज बन गए। और अगर फेस न्यूट्रल भी अगर देखना चाहे तो हम इसमें SCR में भी देख सकते हैं। ये हमने ये SCR में डाल रखा है। ये आ गया 213, ये आ गया 213। वोल्टेज अपने बराबर आ गए। मोटर भी अपनी चल गई है, डिस्प्ले भी बढ़िया है। ऐसे वीडियो के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।